इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस भव्य आयोजन की साक्षी दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किंग जंग सू भी रहेंगी। सरयू के तट पर 3 लाख दीपों से दिवाली मनाई जाएगी। इस दौरान योगी सरयू तट पर राम की मूर्ति बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। प्रदेश के हरदोई जिले में बीते सोमवार को संडीला और उमरतली रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर काम कर रहे 4 गैंगमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उत्तर रेलवे के सूत्रों के मुताबिक 4 गैंगमैन संडीला और उमरतली स्टेशन के बीच रेल पटरी पर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रही कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। सूत्रों के मुताबिक गैंगमैन मिला किसी पूर्व सूचना के काम कर रहे थे, इसी वजह से यह हादसा हुआ। प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बाघिन द्वारा एक शख्स को चीरफाड़ देने और अस्पताल में इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो जाने के बाद रविवार को ग्रामीणों ने बाघिन को पीट पीट कर मार डाला। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के एक जंगल में पिछले 2 साल के दौरान 13 इंसानों की जान ले चुकी एक अन्य बाघिन अवनी को भी हाल ही में मार दिया गया, जिस पर काफी विवाद हुआ। प्रदेश के चंदौली जिला कुश्ती एसोसिएशन की ओर से सोमवार को दी एकेडमी पब्लिक स्कूल मढ़िया में स्वर्गीय जनार्दन सह की स्मृति में 64वीं सीनियर उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप गोरखपुर में प्रतिभा को पहलवानों का ट्रायल चयन किया गया। 10 फ्री स्टाइल और 10 ग्रीको रोमन पहलवानों का चयन किया गया। कमेटी ने चयनित पहलवानों को मेडल के साथ ही सर्टिफिकेट का वितरण किया। प्रदेश में शहरों का नाम बदलने वाली योगी सरकार ने अब राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम भी बदल दिया है। इकाना का नाम बदलने को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच से पहले स्टेडियम का नाम बदल दिया है। यूपी सरकार ने इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। अब इकाना स्टेडियम को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश के बरेली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक 16 साल की लड़की से अस्पताल के अंदर आईसीयू केंद्र में गैंगरेप हुआ। आरोप है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि अस्पताल के ही एक स्टाफ, कंपाउंडर और 4 अज्ञात लोगों ने किया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट AK सिंह के मुताबिक पीड़ित लड़की ने खुद के साथ ज्यादती के बारे में जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद बताया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध तौर पर चल रही पटाखा गोदाम पर प्रशासन ने कार्यवाही की। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों को सीज कर दिया गया। पटाखे इतनी बड़ी संख्या में थे लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। SDM सदर पूजा अग्निहोत्री के मुताबिक किसी से इजाजत और NOC नहीं ली गई थी। पूरे गोदाम को सीज कर दिया गया है और कार्यवाही जारी है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहें ग्रामीण न्यूज़। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।